हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रीजनल ऑथेंटिकेशन सेंटर्स। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का मेरे से सवाल आ रहा है कि ब्रदर ये बताइए कि अपोस्टाइल कैसे कराना है, हमसे ये पैसे ले लिए, उतने पैसे ले लिए, धोखाधड़ी हो गई। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो बोलती है वहाँ से अगर कराना है तो देखिए ये वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप अगर स्क्रीन पर जाते हैं तो देखिए रीजनल ऑथेंटिकेशन सेंटर्स फॉर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अगर आपको जाना है तो देखिए यहाँ स्पेशल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद है, जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर ऑफिस ऑफ द रेजिडेंस कमीशन आंध्र प्रदेश इन न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ऑफिस ऑफ द रेजिडेंट कमीशन, और ये सारी डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको ये कैसे मिलती है ये देखिए, mea.gov.in/apostile.htm आप देख सकते हैं, ये वाला ये है 2019 का ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और अभी तक चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको आप अपना अपोस्टाइल करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। एक बार अगर आप देखिए, अब जब मैं यहाँ पे आया तो देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सारी जो साइट थी मैंने आप लोगों के लिए खोल के यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए जो एड्रेस है इनके वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए एड्रेस ऑफ RPOs एंड अटेस्टेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, कहाँ पर आप करा सकते हैं ये देखिए। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो बैंगलोर का एड्रेस ये है, चंडीगढ़ का ये है, गोवा का ये है, बॉम्बे का ये है, त्रिवेंद्रम का ये है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखा हुआ है ये देखिए यहाँ पे, आप देखिए फिर इधर देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको करके दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए IVS ग्लोबल सर्विसेज बैंगलोर, ये बैंगलोर का है, ठीक है। ये अब अगर आप यहाँ कॉलम देखेंगे तो बैंगलोर, चंडीगढ़, गोवा, मुंबई, त्रिवेंद्रम, यहाँ पे ये RPOs और अटेस्टेशन सर्विस अवेलेबल है, आप जाके यहाँ से अटेस्टेशन और अपोस्टाइल भी करवा सकते हैं। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। देखिए मेल ID भी दी हुई है यहाँ पे, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन आप कर सकते हैं। ये अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, फ़ोन करिए, आप फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसलिए अगर आप ये चीज़ करेंगे फ्रेंड्स तो धोखाधड़ी से बचेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी करने के पहले सोच लीजिए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कितना अच्छा यहाँ बना के रखा है, ठीक है, आप पूरा आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखिए और इसमें अगर आप देखेंगे तो और भी चीज़ें हैं, एक डिटेल्स ऑफ कैसे एक्सप्लेन किया है कि अटेस्टेशन और अपोस्टाइल का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साइट से आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि खुद आपके सामने, देखिए मैंने यहाँ पे साइट खोली है वहाँ से आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो प्रोसीजर है तो डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे खुल नहीं रहा है शायद ये। अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स एक बार, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे खुल गया, ये देखिए ये है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली हैज़ डिसाइडेड टू डिसेंट्रलाइज द वर्क ऑफ अटेस्टेशन अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, दोस रिजाइडिंग है महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन, कैन नाउ अप्लाइड फॉर 3 अटेस्टेशन अपोस्टाइल सेंटर्स। देखिए ऐसे करके इन्होंने कितने सारे नोटिफिकेशन निकाले हुए हैं आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ये मुंबई का एक नोटिफिकेशन है, ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सिंपल है फ्रेंड्स, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको डाउट हो रहा है अभी भी कि कैसे आप गवर्नमेंट एजेंसी से अपोस्टाइल करा सकते हैं बिना अपने ज़्यादा पैसे खर्च किए, जो रेट है गवर्नमेंट का उसी रेट पे करिए, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पर गाइडेंस के आ सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।